हे माय लवली व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, मैं लेकर आई हूँ फ्री ऑनलाइन मेकअप कोर्स। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए होंगे, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो लास्ट दो वीडियो में मैंने आपको बताया कि आपकी वैनिटी में क्या क्या प्रोडक्ट होने चाहिए। एक वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि अगर आप बिगनर हैं तो अफोर्डेबल प्रोडक्ट आपको कौन कौन से रखने चाहिए, स्टार्टिंग में आपको कौन कौन से प्रोडक्ट रखने चाहिए, वो मैंने बताया। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी वैनिटी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो होना बहुत जरूरी है, आपकी वैनिटी में होना ही होना चाहिए। तो उस चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये रहा मेरा पिटारा, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पिटारे में से क्या क्या निकलता है। तो बिना स्किप किए पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपकी वैनिटी में कौन कौन से मस्ट हैव प्रोडक्ट जो होने ही होने चाहिए। तो सबसे पहले पिट वाइप्स, जो आपकी वैनिटी में होना ही होना चाहिए। कुछ भी भूल जाओ, इसको कभी मत भूलना। कुछ आपके पास होने चाहिए कॉटन पैड्स। उसके बाद आपकी वैनिटी में होने चाहिए क्यूटिप्स, ठीक है, इसको ईयरबड भी बोलते हैं, क्यूटिप भी बोलते हैं जो आता है। तो ये आपकी वैनिटी में होना चाहिए, जैसे कि ये बहुत जगह यूज होता है, मल्टीपल यूज होता है। लेकिन अगर जैसे कि आप आई मेकअप वगैरह करते हो तो यहाँ आंसू आने लगता है, तो उसके लिए ये यूज होता है। तो ये आप रख सकते हो अपनी वैनिटी में, रख सकते नहीं, आपको रखना ही रखना है। तो ये क्योंकि मस्ट है प्रोडक्ट है, ये सारी आपके वैनिटी में होने ही चाहिए। उसके बाद आपको रखना है कुछ टिश्यू पेपर। तो ये देखिए, ड्राई टिश्यू पेपर है ये, जो ब्रश वगैरह को क्लीन करने के लिए, देखिए ये इस तरीके का है और ये स्पेशली फेस के लिए आते हैं। तो मैं अगर आपको कोई एक रिकमेंड करूंगी तो आपको ये रखना चाहिए। ये ब्रश वगैरह क्लीन करने के लिए तो दोनों अलग अलग क्यों लेना है, आप एक ये ले लो, अगर आपके पास पैसे हैं तो दोनों रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, उतना ज्यादा महंगा भी नहीं आता है, तो आप दोनों रख सकते हो। उसके बाद आपकी वैनिटी में होना चाहिए ब्लॉटिंग पेपर, जो मस्त है, तो ये आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए। उसके बाद आपको अपनी वैनिटी में रखने हैं ये सीजर्स, काम आते हैं, जैसे कि कभी कुछ स्टिचिंग वगैरह हुआ रहता है तो कभी कुछ धागा वगैरह निकल जाए या फिर कुछ भी जरूरत पड़ सकता है, कुछ कटिंग वगैरह करना हो, अगर कभी फ्लावर वगैरह लगाना हो तो उसके डेंटल वगैरह काटने होते हैं तो उसमें ये काम आते हैं कटिंग के, तो आपको एक सीजर रखना है। उसके बाद अभी क्या होता है कि 4-5 दिन पहले अगर किसी ब्राइड ने अपना आईब्रो वगैरह थ्रेडिंग वगैरह करवाया होता है तो 2-4 बाल निकल जाते हैं आसपास, तो उसके लिए आपको रखना चाहिए ट्यूजर, इसको रखने और आप 2-4 बाल निकाल दोगे तो कुछ नहीं चला जाएगा, तो इसलिए आपको ट्यूजर रखने हैं, इसको आईब्रो प्लकर भी बोलते हैं। तो आपकी वैनिटी में ये भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको चाहिए सेफ्टी पिंस, आपकी वैनिटी में ये तो होना ही होना है क्योंकि सारी ड्रेपिंग वगैरह या फिर कुछ भी ड्रेपिंग में बहुत ज्यादा काम आते हैं। उसके बाद ड्रेपिंग में सेफ्टी पिन के साथ साथ सुई धागा भी काम आता है, तो आपकी वैनिटी में सुई धागा भी होना बहुत जरूरी है। तो क्योंकि कभी कभी सारी चीजें सेफ्टी पिन से नहीं होती है, तो सुई धागा आपकी वैनिटी में होना चाहिए, तो सुई धागा भी आपको रखना है। उसके बाद आपको चाहिए शार्पनर। अब बोलोगे ये क्या, मुझे बच्चों के स्कूल की तरफ ले गए, मतलब क्या बचपन के दिन में स्कूल टाइम में ले गए, तो नहीं। देखो क्या होता है, कभी कभी लिप लाइनर या काजल जो होता है वो टूट जाता है या फिर ज्यादा यूज करने के बाद वो अप्लाई करने में दिक्कत आती है, तो आप ये शार्प करने में काम आएगा, तो ये आपको अपनी वैनिटी में रखना ही चाहिए। देखो ब्रांड की तरफ से आता है, कभी कभी किसी काजल की तरफ, काजल में पीछे दिया होता है कैप में, लिप लाइनर में भी दिया होता है, अगर किसी में ना हो तो आपके वैनिटी में ये अगर हो जाएगा तो कुछ चला नहीं जाएगा ना, आप इसको अपनी वैनिटी में रखो, काम आएगा। तो आपकी वैनिटी में एक शार्पनर भी होना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको अपनी वैनिटी में नेल कटर भी रखना है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है तो नेल कटर्स रखने हैं, बहुत कम ही लोग बताते हैं। आपको सिंदूर तो रखना ही रखना है, तो आपको अपनी वैनिटी में सिंदूर रखना है। आप पाउडर वाला रखो या लिक्विड वाला रखो, या डेली लाइफ फॉरएवर 52 का है तो ये आप रख सकते हो, आपको अपनी वैनिटी में रखना है, सिंदूर भी रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको अपनी वैनिटी में बिंदी रखना है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है, हील्स वगैरह पहनते हैं ना तो क्या होता है कि पैर वगैरह कट जाता है, ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए आपको बैंडेड रखना चाहिए, जो कि अगर आप दे दोगे अपनी ब्राइड को तो कुछ नहीं चला जाएगा 5-10 रुपए में, तो आपकी वैनिटी में एक बैंडेड भी होना चाहिए। उसके बाद आपकी वैनिटी में होना चाहिए एक
माइसलर वाटर, ठीक है। क्या होता है, ब्राइड पहले से ही काजल वगैरह लगा हुआ होता है, तो उसको रिमूव करने के लिए माइसलर वाटर काफी अच्छा होता है, तो आप माइसलर वाटर रखिए। उसके बाद इन सबसे परे सबसे ज्यादा जरूरी चीज, हम लोग अलग अलग स्किन पे काम करते हैं तो कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना कि इन्फेक्ट हो जाते हैं डायरेक्ट यूज करने के कारण, तो उसके लिए आपको अपनी वैनिटी में रखने चाहिए डिसइंफेक्टेंट स्प्रे, जो कि बहुत जरूरी है, ये आपकी वैनिटी में होना ही होना चाहिए, तो आपको लेके इसको जाना ही जाना है। आपकी वैनिटी में एक पोर्टेबल फैन भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीच बीच में हमें इसकी जरूरत पड़ती है। तो ये मेरे पास एक पोर्टेबल फैन है, आप कोई भी पोर्टेबल फैन ले सकते हो, तो आपकी वैनिटी में एक पोर्टेबल फैन का भी होना बहुत जरूरी है, तो ये आपको ले जाना तो कभी भी नहीं भूलना है। एक आता है डुअल साइड टेप, ठीक है। जब कभी क्या होता है कि ज्यादा ऐसे लूज वगैरह ड्रेस रहता है, तो क्या होता है कि झुकने वगैरह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, क्लीवेज वगैरह दिखती है, तो उसके लिए आपको डबल साइड टेप चाहिए, जो कि यहाँ पे अप्लाई कर देने से क्या होता है, इसके अंदर अप्लाई कर देंगे तो फिर वो स्टिक हो जाती है, उसके बाद इधर से उधर होती नहीं, आप कितना भी डांस करो कुछ भी करो तो वो इधर से उधर ड्रेस नहीं होता है, अनकंफर्टेबल फील नहीं होगा ब्राइड को, तो उसके लिए आपको डबल साइड टेप भी रखना है अपनी वैनिटी में। उसके बाद अगर आप कभी वेन्यू मेकअप पे जाते हो तो आपको ट्राइपॉड रिंग लाइट वगैरह लेके जाना है, तो ये सारी चीजें तो आपको पता ही है कि आपको शूट करना है, फोटोज वगैरह लेना है, तो अगर कोई पॉकेट एलईडी लाइट वगैरह है तो वो आपकी वैनिटी में रखने चाहिए, रिंग लाइट रखने चाहिए, ट्राइपॉड रखने चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको अपनी वैनिटी में लेके जाना है। तो ये आपके पास, तो ये सारी चीजें जो थी आपकी वैनिटी में होने जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थे मस्ट हैव प्रोडक्ट जो आपकी वैनिटी में होनी ही चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मुझे लगता है कि शायद ये सारी चीजें आपको किसी ने बताई भी नहीं होगी। अगर आप पहले से जानते होगे तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता होगा तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और प्लीज कमेंट करके बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा या नहीं रहा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत नोटिस किया है कि लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए, और सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।